नमस्कार, एमपी न्यूज़ कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी जिले की एनकेजे थाने की पुलिस ने आईपीएल सट्टा का खुलासा करते हुए ग्राम पहाड़िया के राणा हाउस पीछे से चार आरोपियों को क्रिकेट सट्टा खिलाते पकड़ा है। सटोरियों के पास से 3 लाख रुपए का सट्टा का लेखा लिखा सहित 7 मोबाइल, 4 नग सट्टा पर्ची, 3 मोटरसाइकिल सहित 9,000 रुपए कैश जब्त किया है। जब्त सामान की टोटल कीमत 4,80,000 है। पकड़े गए आरोपियों के नाम जय मूलचंदानी 28 साल निवासी संत नगर नई बस्ती कटनी, मोहम्मद असगर 29 साल बैलक घाट कटनी, चंदन नागरा 37 साल निवासी पन्ना मोर कुटलक, भरत मूलचंदानी 32 साल निवासी शुभ सिटी अमीरगंज बताए गए हैं। कटनी सीएसपी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि एनकेजे थाने की पुलिस को कल रात मुखबिरों से सूचना मिली थी कि एनकेजे थाना क्षेत्र के ग्राम पहाड़िया के पास राणा हाउस के पीछे कुछ लोगों द्वारा लखनऊ और मुंबई इंडिया टीम के बीच चलने वाले आईपीएल क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खिला रहे हैं। सूचना पर एनकेजे थाने की पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से 4 आरोपियों को अरेस्ट कर उनके पास से 3 लाख रुपए का सट्टा का लेखा जोखा सहित 7 मोबाइल, 4 नग सट्टा पर्ची, 3 मोटरसाइकिल सहित 9,000 रुपए कैश जब्त किया है। एनकेजे थाना की पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है कि इन सभी के तार किन किन लोगों से जुड़े हुए हैं। निर्देश पर पुलिस अधीक्षक महोदय कटनी श्री अभिजीत रंजन सर के द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों एसडीओपी सीएसपी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। थाना प्रभारी एनकेजे में मुखबिर लगा के जानकारी इकट्ठा की, जिसमें ये पता चला कि कुछ लोग क्रिकेट का सट्टा खिलाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिस पर से थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ जाके रेड किए तो 4 व्यक्ति क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खिलवाते हुए मिले, जिन्हें की हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई है। इनके कब्जे से मोबाइल, 7 नग मोबाइल फ़ोन और उसका चार्जर, कैलकुलेटर, मोटरसाइकिल, नकदी रकम, कुल संपत्ति 4,80,000 की जब्त की गई है। हिसाब किताब का रजिस्टर भी मिला है, जिसमें करीब 3 लाख का क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खिलवाने की जानकारी प्राप्त हुई है। 4 लोग गिरफ्तार हुए। कब से ये सट्टा खिला रहे थे, अभी इसकी जानकारी लग पाई? ये अभी जो है ज़्यादा दिन इनको नहीं हुए थे, अभी ये चालू किए थे कि पुलिस को सूचना प्राप्त हो गई और कार्रवाई की गई है। इनके तार कहाँ से जुड़े हुए थे? फिलहाल तो ये खुद ही बता रहे हैं, बाकी इनसे और पूछताछ की जा रही है। नहीं, पूर्व में इनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है और ये पहली बार पकड़े गए। कोई व्यापारी या बड़ा आदमी उससे जुड़ा हुआ था क्या? ऐसी कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।